नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के दिगंबर जैन मंदिर पठारी मुनित्रय मुनि अभय सागर, मुनि प्रभा सागर, मुनि निरीह सागर महाराज के सानिध्य में 1 फरवरी से जारी 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का रविवार को पूजन हवन पूर्णाहुत के साथ समापन हो गया। आपको बता दें, कार्यक्रम सुबह 7 बजे से श्री जी के अभिषेक शांति धारा नित्य पूजन के साथ शुरू हुआ और इसी दिन मुनि श्री अभय सागर एवं प्रभा सागर महाराज के दीक्षा दिवस होने के कारण विधान का कार्यक्रम और भी विशेष बन गया। पठारी एवं बाहर से पधारे सभी जैन बंधुओं ने मुनिश्री के समक्ष अर्ध समर्पित किए और स्वर्ण कलशों के द्वारा मुनित्रय का पाद प्रक्षालन भी किया। मुनिश्री ने अपनी दिव्य देशना में कहा कि दीक्षा दिवस वैराग्य का क्षण दिखाने का नहीं, अंतरंग को सजाने का दिन होता है। सभी जीवों में चेतना पाई जाती है और यही चेतना हमें अजीबों से पृथक करती है। सिद्ध परमेष्टि में भी यही जीवत्व का गुण पाया जाता है। मुनिश्री ने विधान के समापन के अवसर पर कहा कि अगर हम आज के दिन छोटा सा भी संकल्प लें तो यह जिनेन्द्र भगवान की साधना करने का दिन सार्थक हो सकता है। प्रवचनों के पश्चात मंदिर में हवन में आहुतियां देकर विश्व शांति की कामना की गई और आयोजन में मंत्रोच्चार के साथ हवन की सभी क्रियाएं ब्रह्मचारी मनोज भैया संजय भैया ने संपन्न कराई। दोपहर में श्री जी की नगर शोभा यात्रा जैन मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसमें मुनि संघ के मार्गदर्शन में सबसे आगे धर्म ध्वजा और दिव्य घोष के साथ सैकड़ों की संख्या में सभी इंद्र इंद्राणी पठारी एवं बाहर से पधारे धर्म प्रेमी बंधु महिला पुरुष निश्चित ड्रेस कोड में पंक्ति बनाकर कतारबद्ध तरीके से पूर्ण अनुशासन में अहिंसा परमो धर्म का शंखनाद करते हुए चल रहे थे। श्री जी को विधान में विराजित कर नगर भ्रमण कराया गया एवं महिलाएं पालकी में जिन बाड़ी माताओं को लेकर चल रही थी। पठारी में पहली बार शोभा यात्रा में शामिल भव्य रथ लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। भव्य रथ पर श्री जी की प्रतिमा को विराजमान किया गया, वहीं सौधर्म इंद्र और अन्य मुख्य पात्र बग्घियों में सवार थे। शोभा यात्रा में भक्तों द्वारा प्रसादी के तौर पर मिष्ठान बोधी का वितरण किया गया। 8 दिन तक चले इस धार्मिक आयोजन को लेकर जैन समाज के लोगों में भारी उत्साह देखा गया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज।